हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं सुजाता। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं कि कैसे आप अपने किचन के काउंटर टॉप को डीपली क्लीन कर सकते हैं। वैसे हम उसे डेली क्लीन करते हैं, बट जब आप उसे नज़दीक से देखेंगे, एकदम बारीकी से देखेंगे, तो आपको इस तरीके की चिकनाहट वाली लेयर आपको अपने किचन काउंटर टॉप पर नज़र आएगी। साथ ही साइड टाइल्स भी बहुत गंदे हो जाते हैं, स्विचेस भी गंदे हो जाते हैं, और इस तरीके से काफ़ी छोटी छोटी गंदगी जो होती है वो जमा होने लग जाती है। अगर हम उसे हफ्ते में या 15 दिन में डीप क्लीनिंग ना करें तो बाद में उसको साफ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप मेरे किचन में देख सकते हैं, मैंने इसे 15 दिन से पूरा डीप क्लीनिंग नहीं की थी, तो छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स जमा हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने किचन के काउंटर टॉप की डीप क्लीनिंग कर सकते हैं। तो जब भी आप अपने किचन के काउंटर टॉप की डीप क्लीनिंग करें, तो सबसे पहले काउंटर टॉप को एकदम क्लीन कर लें। जो भी आपका किचन का प्लेटफॉर्म है उसको पूरी तरह से खाली कर लें, और जितना भी सामान आपके प्लेटफॉर्म में रहता है, बॉटल्स हो गई, बास्केट्स हो गई, कैटल होगी, उसको आप क्लीन कर लीजिए, उसको वॉश कर लीजिए अच्छे से। क्योंकि होता है कि हम उसे नॉर्मली पानी भरते रहते हैं, बॉटल्स को हम बाहर से क्लीन करते हैं, इसी तरीके से बास्केट भी नीचे से उसमें पानी जमता रहता है, तो उसमें एक लेयर सी जम जाती है। तो आप इन चीज़ों को, जितने भी आपके काउंटर टॉप में चीज़ें हैं, उनको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। जो भी आपको लगता है गंदी है, तो उन सारी चीज़ों को आप धुल लीजिए। उसके बाद जब आप इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद इन्हें थोड़ी देर आप धूप में रख लीजिए, या आप ड्राई कपड़े से इन्हें साफ़ कर लीजिए। तो उसके बाद जब भी आप इन्हें रखेंगे तो पूरी तरह से ड्राई हो जाएं। तो ये मैंने सारी वॉश कर ली हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ मैं दोस्तों करती हूँ, जितने भी काउंटर टॉप पे स्विच लगे हैं उनको क्लीन करना। तो यहाँ पे मैं टूथपेस्ट की हेल्प से क्लीन करती हूँ इन्हें, ये आसानी से साफ़ हो जाते हैं, क्योंकि जो चिकनाहट होती है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। स्विच क्योंकि हम गंदे हाथों से दबाते हैं, ऑन ऑफ करते रहते हैं, तो काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो सारे स्विच आप क्लीन कर लीजिए। उसके बाद जितना भी ये सामान फैला है, मेरा माइक्रोवेव यहाँ पर है, तो मैं इसको भी हटाने की कोशिश करूँगी यहाँ पर से। तो ये हटाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो मैं जो इसके ऊपर एक बास्केट सी लगी हुई है, इसका डिवाइडर है, उसको मैं हटा दूंगी। इसके ऊपर जितने भी मेरे सामान रखे हैं, डब्बे रखे हैं, वो सारे मैं यहाँ पे से हटा दूंगी। और यहाँ पे मैं एक कंटेनर में थोड़ा सा डिश जेल लूँगी, और इसी डिश जेल से मैं पूरे किचन की क्लीनिंग करूँगी अपने काउंटर टॉप की। और यहाँ पे मैं एक स्पॉन्ज की हेल्प से जो ये स्टैंड है इसको क्लीन कर लूँगी। आप चाहें तो सीधा नल के नीचे भी इसे क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना हल्की सी चिकनाहट जमने लग जाती है, चाहे आपने चिमनी लगाई हो चाहे नहीं लगाई हो। तो इसको मैं एक क्लीनिंग कर लेती हूँ हल्के से, या अगर आप मुझे लगता है ज़्यादा गंदा नहीं है तो मैं गीले कपड़े से इसे साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक बकेट में गर्म पानी रखा है। जो भी दोस्तों आप क्लीनिंग करें किचन के काउंटर टॉप की, वो सारे गर्म पानी से करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे सफाई करने में थोड़ा आसानी रहती है, जो भी चिकनाहट है वो आसानी से साफ़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप इसे काउंटर टॉप को क्लीन कर सकते हैं। ये मैं इसे 2-3 पानी से आप क्लीनिंग कर रहे हैं इसकी, तो ये मेरा पूरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मैं इसको थोड़ी देर बाहर रख दूँगी या साइड में रख दूँगी, जब तक मैं पूरे किचन के काउंटर टॉप की क्लीनिंग ना कर दूँ। अब ये माइक्रोवेव रखा है, इसको भी मैं गीले कपड़े से साफ़ कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे आपने ऑल पर्पज़ क्लीनर से आप इसे साफ़ कर सकती हैं। मैं सिंपल गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, जो गुनगुने पानी में मैंने डिप करा है। और अगर आपको लगता है थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है, तो हल्का सा डिश जेल आप उसमें लगा लीजिए ऊपर से, तब क्लीन कर लीजिए। तो ये माइक्रोवेव तो क्लीन हो चुका है दोस्तों। अब उसके जो चारों तरफ माइक्रोवेव के नीचे भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, जब आप उसे टाइम टू टाइम क्लीन ना करो। तो यहाँ पे मैं डिश जेल की हेल्प से क्लीनिंग करूँगी। यहाँ पे मैंने स्क्रबर में थोड़ा सा डिश जेल लेके, आप डिश बार की हेल्प से भी इसे साफ़ कर सकते हैं। टाइल्स वगैरह को भी मैं इसी से क्लीन करूँगी। तो यहाँ पे मैं 2-3 बार गीले कपड़े से उसको साफ़ करके यहाँ पे सफाई कर दूँगी। अब मैं इसे माइक्रोवेव को साइड कर लूँगी, तो आप देख सकते हैं उसके नीचे कितनी सारी गंदगी यहाँ पर जम चुकी है, क्योंकि हम इसे डेली क्लीन तो करते नहीं है, बट थोड़े थोड़ा खाना गिरता रहता है उसमें। तो पहले मैं ये सारा कबाड़ा हटा लूँगी, उसके बाद मैंने ये जो ब्रश से इसे क्लीन करा है स्क्रबर से, तो यहाँ पे मेरा हाथ प्रॉपर तरीके से नहीं पहुँच पा रहा है, तो यहाँ पे मैंने स्पॉन्ज से टाइल्स को भी क्लीन कर लिया है। तो ये अच्छे से साफ़ हो जाता है, आप डिश जेल से इसे साफ़ करेंगी। तो ये पोर्शन भी मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, माइक्रोवेव की साइड वाला तो साफ हो चुका है। अब ये जो गैस का जहाँ पे होल होता है, वहाँ पे मैं पॉलीथीन लगा लूँगी। इससे क्या होगा कि जब मैं इसकी काउंटर टॉप की पूरी तरह से क्लीनिंग करूँगी, उसमें कोई पानी नीचे ना जाए,
और ये मैं पूरा अब टाइल्स पे अच्छे से स्क्रब कर लूँगी जो भी मैंने डिश जेल डाला था। और कुछ नहीं, आपको सिंपल जैसे आप अपने बर्तनों को धुलती है वैसे ही आपको इसको टाइल्स को धुलना है। यहाँ पे मैं गैस को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी, पूरे प्लेटफॉर्म में इस तरीके से सोप लगा लूँगी, डिश बार लगा लूँगी, चाहे आप डिश जेल लगा लीजिए, ये अच्छे से साफ़ कर लेगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप इसकी सफ़ाई करें तो हमेशा गर्म पानी का यूज़ कीजिए, तो ये अच्छे से बिना मेहनत के ज़्यादा रगड़े ये आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो मैंने इसे अच्छे से स्क्रब कर लिया है पूरे यहाँ पे काउंटर टॉप पे। हमारे गैस स्टोव के बगल में जहाँ पे हमारा सिंक होता है वहाँ पे भी जब हम बर्तन धुलते हैं बार बार तो पानी की छींटे टाइल्स पे लग जाते हैं और एक वाइट वाइट से वो एक दाग बन जाते हैं। तो टाइल्स के किनारे और सिंक के किनारे भी अच्छे से आप स्क्रबर कीजिए, टैप पे अच्छे से स्क्रब कीजिए, तो ये आसानी से पूरी आपकी गंदगी काउंटर जो आपका है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो मैं पूरी तरह से इसे स्क्रब कर लूँगी टाइल्स में और ये पूरी, और साथ ही साथ मैं सिंक में भी अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। तो दोस्तों अब हमें लेना है गीला कपड़ा और गीले कपड़े से मैं पूरा पहले गैस अच्छे से क्लीन कर लूँगी। यहाँ पे आपको कम से कम जैसे आपको लगे कि जो आपकी बकेट में पानी है वो गंदा हो रहा है तो आप उस पानी को तुरंत चेंज कर लीजिए, क्योंकि बार बार अगर आप पानी चेंज नहीं करोगे तो जो गंदगी आपने साफ़ करी है वो दोबारा आपके टाइल्स पर लगेगी, आपके गैस स्टोव पर लगेगी या आपके जो आपका मार्बल है उस पर लगने लगेगी। तो दो तीन बार पानी चेंज करते रहिए, भले आपको यहाँ पर ऐसा लगे कि मैं यहाँ पे पानी चेंज नहीं कर रही हूँ बट मैं यहाँ पे बार बार पानी चेंज कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तो जहाँ जहाँ पे आपने अभी स्क्रब करा है वहाँ पे आप साफ़ पानी से, गुनगुने पानी से इसे पूरी तरह से लगा लीजिए और दो तीन पानी से इसे साफ़ कर लीजिए। तो आपको अपने खुद टाइल्स में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नज़र आएगा, बहुत अच्छी शाइन आपको नज़र आएगी, आपको खुद लगेगा कि बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। अगर आपके जो काउंटर टॉप के बगल में विंडो है तो विंडो को भी आपको टाइम टू टाइम क्लीन कर लेना चाहिए। तो वैसे मैं समय रहते रहते उसको क्लीन करती रहती हूँ जैसे मुझे टाइम लगता है। तो यहाँ पे भी मुझे लगा कि मैंने थोड़ा सा इसमें पानी लगा ले जितनी हूँ कि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, तो मैंने अपनी विंडो को भी साथ ही साथ क्लीन कर लिया है। तो आप खुद देख सकते हैं टाइल्स में कितनी अच्छी चमक और एक शाइन आएगी। और सिंक के बगल में तो मैं डायरेक्टली पानी डाल के ही इसे क्लीन कर लूँगी कि अच्छे से साफ़ हो जाए, कि मतलब कपड़ा लगाने की आपको कपड़े से साफ़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने सिंक भी अच्छे से क्लीन कर लिया है इस तरीके से। ये इसका जो दूसरा स्टेप था दोस्तों, अभी एक स्टेप इसमें बाकी है कि अब हमें इसे और कैसे साफ़ करना है प्रॉपर तरीके से। तो मैंने प्रॉपर मोटा मोटा भी अच्छे से साफ़ कर लिया है पूरा किचन का जो काउंटर टॉप है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लेना है मुझे थोड़ा सा गर्म पानी और उसमें मैं थोड़ा डालूंगी डिटॉल, और यहाँ पे मुझे लेना है एकदम साफ़ कपड़ा, और साफ़ कपड़े से ही मैं एक बार दोबारा इसमें पूरी तरह से क्लीन कर लूँगी, पूरी तरह से इस डिटॉल के पानी को एकदम अपने काउंटर टॉप पर लगा लूँगी, टाइल्स पर लगा लूँगी, इसमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सारे मर जाएंगे। इससे क्या होता है कि हमारा जो काउंटर टॉप में सबसे ज़्यादा कॉकरोच वगैरह की प्रॉब्लम होती है, अगर आपका आटा वगैरह ज़्यादा गिरा होता है काउंटर टॉप पे तो वो कॉकरोच की प्रॉब्लम भी बिल्कुल नहीं रहती है। और उसके बाद मैं मार लूँगी एक वाइपर, तो वाइपर से जितना ये एक्स्ट्रा पानी गिरा है इससे, तो ये देखिए ये आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो कितना एक्स्ट्रा पानी इसमें निकल रहा है डिटॉल का, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा और क्लीन हो जाएगा। तो देखिए आप कितना इससे डिटॉल का पानी निकला है प्रॉपर तरीके से, ये कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसे क्लीन कीजिए डिटॉल के पानी से, ये साफ़ हो जाएगा पूरी तरीके से। और मैंने यहाँ पे बकेट लगा रखी है कि मैं बकेट में वो सारा पानी डालूंगी, क्योंकि नीचे डालूंगी तो नीचे और गंदगी हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन के यहाँ पे एकदम क्लीनिंग करती हूँ। जब ये पूरी तरीके से साफ हो जाता है उसके बाद जो बर्तन जहाँ के होते हैं उन्हें वहीं लगा लेती हूँ। यहाँ पे ये डब्बे वगैरह थे तो इन्हें मैं एक गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद ड्राई कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ कि इसमें जो भी चिकनाहट वगैरह है वो सारी दूर हो जाए, क्योंकि बाहर जब ये रहते हैं तो इसमें हल्की चिकनाहट हो ही जाती है। तो इनको मैं क्लीन करके इनकी जगह पे रख लूँगी और जो जो सामान जहाँ जहाँ पे मैंने निकाला था वो सारा सामान मैं वहीं पर समेट लूँगी। तो दोस्तों आप मेरी किचन को यहाँ पर देख सकते हैं, जो काउंटर टॉप है वो कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है और उसकी जो चमक है आप खुद अपने आँखों से देख सकते हैं कि पहले ये कैसा लग रहा था और अब ये कैसा लग रहा था। तो पूरा किचन काउंटर अच्छे से क्लीन हो चुका है, डीप क्लीन हो चुका है। तो आई होप दोस्तों आज की ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो आपको क्या करना है, एक लाइक करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। इस टाइप की और वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर।